इसलिए योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट ने इतना महत्वपूर्ण फैसला लिया है। में क्या नए बड़े बदलाव हुए हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कमाल यह कि बड़ी बेशर्मी से पूर्ववर्ती सपा सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए, नमस्कार, आइए भारत को सबल व जागरूक बनाने में हम एक कदम मिलकर साथ चलें। स्वतंत्रता दिवस के बाद बुधवार के दिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक की। इस कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य व शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव, अयोध्या तथा वाराणसी से जुड़े प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य उत्पादन विद्युत निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम तथा जवाहर विद्युत उत्पादन निगम को जोड़कर एक कंपनी बनाया जाएगा। एक साथ तीनों को मर्ज किया जाएगा। ये तीनों बिजली कंपनियां एक साथ कार्य करेंगी। अब इसे उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन विद्युत निगम के नाम से जाना जाएगा। साथ ही इस बैठक में प्रतापगढ़ जिले के मंधाता को नगर पंचायत बनाने के फैसले को हरी झंडी दी गई तथा जौनपुर नगर पालिका परिषद मुंगराबाद शाहपुर के विस्तार की सहमति भी बनी। और आज बुधवार के दिन सुबह में माननीय योगी जी ने यूपी में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 4 IPS अधिकारी और 6 PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इन 16 प्रस्तावों में मुख्य रूप से अगर देखा जाए, फिलहाल हम लेखपाल भर्ती में क्या नए बड़े बदलाव हुए हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। 16 अगस्त को योगी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि लेखपाल के रिक्त 8085 पदों पर भर्ती के लिए UP SSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षा कराई जा चुकी है। आपको जानकारी देते चलें कि इसके पूर्व लेखपाल की भर्ती की प्रक्रिया राजस्व परिषद स्तर पर गठित चयन समिति ही करती थी। कैबिनेट ने मंगलवार को यूपी लेखपाल सेवा के चतुर्थ संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है। शासनादेशों के जरिए सृजित किए गए लेखपाल के 3600 पदों को भी नई नियमावली में सम्मिलित किया गया है। ज्ञात हो कि पूर्व में शासन ने 20 जून 2018 को UP SSC द्वारा लेखपालों की भर्ती सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के क्रम में लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती पर UP SSC द्वारा परीक्षा कराई जा चुकी है। क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट ने इतना महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आपको बताते चले कि पूर्ववर्ती सपा सरकार में 27 फरवरी 2015 को एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें लेखपाल के 900 तथा संग्रह अमीन के 408 पद समाप्त करके राजस्व निरीक्षक के 1308 पद सृजित किए गए थे। यही वजह रहा कि लेखपालों के 27,237 पदों के स्थान पर 26,337 पद ही रह गए थे। उसके बाद पूर्ववर्ती सपा सरकार ने 21 मई 2015 को एक और शासनादेश जारी किया, जिसमें लेखपाल के 5,000 पद सृजित किए गए। मतलब यह कि युवाओं को केवल भर्ती के नाम पर केवल और केवल लॉलीपॉप दिखाया जा रहा था। कमाल यह कि बड़ी बेशर्मी से पूर्ववर्ती सपा सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक और लॉलीपॉप युवाओं को जड़ दिया। आइए जानते हैं। 30 नवंबर 2016 को फिर शासनादेश जारी किया गया, जिसमें लेखपालों के 500 पदों को समाप्त करके राजस्व निरीक्षकों के 500 अस्थायी पद सृजित किए गए। हुआ क्या जानते हैं? हुआ यह कि लेखपाल के 5,000 के स्थान पर 4,500 पदों को पहले के 26,237 पदों में शामिल करके कुल 30,837 पद कर दिया गया और युवाओं को लॉलीपॉप दिखाया गया कि आप सपा की पुनः सरकार बनवाइए, इन सभी पदों पर लेखपाल की भर्ती किया जाएगा। लेकिन यूपी के युवाओं ने इनकी बदनीयति को समझते हुए 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को पैदल कर दिया। अब योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सभी झोल झपेटों को समाप्त करते हुए संशोधित नियमावली में शासनादेशों के माध्यम से सृजित लेखपाल के 3600 अतिरिक्त पदों को शामिल करके उनकी कुल संख्या 27,237 के स्थान पर 30,837 कर दिया गया है। अब यह भी आपको जानना चाहिए कि संशोधित नियमावली में लेखपाल पद का सूत्रों के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके वेतनमान को 7th पे कमीशन की पे मैट्रिक्स की सिफारिश के अनुसार अपडेट कर दिया गया है। यानी कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने मन बना लिया है कि अब इंतजार और नहीं कराया जाएगा, अब लेखपालों की भर्ती तत्काल ही कर दिया जाएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ ही सहायता जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।